हाय हेलो फ्रेंड, मैं हूं हेमंत शर्मा। आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पेपर हैकर पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं आर्मी ट्रेड्समैन का, ठीक है, आर्मी ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट जो है, आज छठा प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराने वाले हैं, ठीक है। तो आज के इस छठे प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे जीके और जीएस के क्वेश्चन। तो जीके जीएस के क्वेश्चन में बेटा हम आपके लिए 35 क्वेश्चन लेके आए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो में क्वेश्चनों को देखना है, उनके आंसर देखना है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको तैयार करके जाइएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको जीके और जीएस यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, चाहे आप जीडी एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से जीके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, सब इसी में से आने वाला है। तो आप इसको जरूर देखें, पर डे इसका क्लास देखें, आपका क्लास पर डे रखता है, ठीक है, आपका क्लास पर डे होता है। और आप इसको रोज देखें, पर डे देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं बेटा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली वीडियोज है, नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो देखते हैं, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर भी करते रहिएगा अपने दोस्तों के लिए, जो कि उन्हें भी पता चले कि हमारा आर्मी ट्रेड्समैन का क्लास चालू हो गया है, ठीक है। तो देखेंगे, प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है, ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। कौन सा है? छठा प्रैक्टिस सेट है। और हम आपको बता दें, इस छठे प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए 35 क्वेश्चन कराने वाले हैं। कितने क्वेश्चन कराने वाले हैं? 35 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें जीके और जीएस के दोनों के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखेंगे, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे दिया है, सभी बच्चे बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? तो किस शहर पर गिराया गया था, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से कौन सा राइट आंसर रहने वाला है इसमें, जल्दी से बताएंगे। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा। सबसे पहले कहां गिराया गया था? ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा पर गिराया गया था, ठीक है। हिरोशिमा पर गिराया गया था, जो कि जापान का एक शहर है, ठीक है, जापान का एक शहर है हिरोशिमा, उस पर गिराया गया था। अगर हम बता दें कि यह कब गिराया गया था, तो ये 6 अगस्त 1945 में गिराया गया था, ठीक है। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 के दिन गिराया गया था। अगर बात करें कि इसको गिराया किसने था, आक्रमणकारी कौन था, इसको आक्रमण किसने किया था, तो वो था अमेरिका। क्या था? बात करें किसने गिराया, ठीक है, किसने गिराया, तो अमेरिका ने गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। तो यह जो है, यह विश्व का पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था, ठीक है, यह विश्व का पहला परमाणु बम विस्फोट हुआ था, जो कि अमेरिका ने किया था, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पर कि दूसरा परमाणु बम कहां गिराया गया था, ठीक है, अगर हम बात करें कि दूसरा परमाणु बम कहां गिराया गया था, तो दूसरा परमाणु बम जो है, दूसरा परमाणु बम जो है दूसरा परमाणु बम कहां गिराया गया था? नागासाकी, ठीक है, कहां गिराया गया था? नागासाकी पर, जो कि जापान का एक शहर है, ठीक है, किसका शहर है? जापान का शहर है नागासाकी, नागासाकी पर गिराया गया था। अगर हम बात करें यहां पर कि ये कब गिराया गया था, तो ये जो है, ये कब गिराया गया था? ये गिराया गया था 9 अगस्त, ठीक है, इसके जस्ट 3 दिन बाद, ठीक है, 9 अगस्त 1945 में, कोई बात नहीं, सॉरी, कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था, ठीक है, इसके ठीक 3 दिन बाद ही इसको गिराया गया था। और वो किसने गिराया था? वो भी अमेरिका ने ही गिराया था। अब इसमें क्या हुआ, परिणाम क्या निकला? इसमें परिणाम जो निकला था वो क्या था, परिणाम की बात करें तो इसमें परिणाम निकला मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, ठीक है, क्या हुई थी,
मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, एक बार क्लास को शेयर करिएगा, सभी लोग सभी बच्चे शेयर करिएगा क्लास को, अपने दोस्तों को बताइएगा क्लास आर्मी ट्रेड्समैन का चालू हो गया है। ठीक है, तो देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पाकिस्तान की राजधानी, पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, जल्दी से बताएंगे, सभी लोग बताएंगे पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है इसमें, तो देख लेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा। ठीक है, राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद जो है वो राइट आंसर रहेगा। अगर हम बात करें इस्लामाबाद के बारे में, अगर हम बात करें इस्लामाबाद के बारे में, तो इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है, और ये पाकिस्तान के आजाद होने के 20 वर्ष बाद यहां पर राजधानी आई थी। ठीक है, आजादी से 20 वर्ष के बाद, ठीक है, राजधानी कब बनी, राजधानी कब बनी, ठीक है, तो कब बनी थी ये जो है आजादी के 20 साल बाद। ठीक है, कब बनी थी, आजादी के 20 साल, आजादी के 20 साल बाद। ठीक है, आजादी के 20 साल बाद जो है इस्लामाबाद को राजधानी बनाया गया था पाकिस्तान की। अगर हम बात करें कि ये पाकिस्तान जो है वो आजाद कब हुआ था, अगर हम पाकिस्तान की आजादी की बात करें तो इसको आजादी जो है वो कब मिली। ठीक है, अगर हम इसकी आजादी की बात करें तो इसको आजादी 14 अगस्त सन 1947 में मिली थी। कब मिली थी, 14 अगस्त 1947। ठीक है, कब मिली थी, 14 अगस्त 1947 में जो है इसको आजादी मिली थी। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान की पहली राजधानी जो थी वो कहां थी। ठीक है भाई, 20 साल बाद इस्लामाबाद को राजधानी बनाया गया था, तो 20 साल से पहले यहां की राजधानी क्या थी, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसकी पहली राजधानी जो थी, ठीक है, इसकी पहली राजधानी थी वो क्या थी, तो वो जो थी वो कराची थी। क्या थी, कराची, कराची शहर था। ठीक है, कराची शहर था जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, उसमें इसकी राजधानी थी। अगर हम बात करें राजधानी के बारे में, तो राजधानी इस्लामाबाद राजधानी जो है वो कब स्थानांतरित की गई। ठीक है, अगर इस्लामाबाद जो है राजधानी, ये कब स्थानांतरित की गई थी, तो स्थानांतरित की बात करें, अगर हम स्थानांतरित की बात करें कि ये राजधानी कब स्थानांतरित की गई थी, तो ये 1968 में की गई थी। कितने में की गई थी, 1968 में की गई। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है। जल्दी से तो देख लेंगे बच्चों, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ये जो थे, कौन थे, इनको परमाणु बम के, परमाणु ऊर्जा के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में, ठीक है, अगर हम बात करें इनके जन्म के बारे में, ठीक है, तो इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें कि कहां हुआ था, ठीक है, अगर हम बात करें कहां हुआ था, तो इनका जन्म मुंबई में हुआ था। कहां हुआ था,
मुंबई में हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इनके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था जहांगीर बाबा भावा, ठीक है। जहांगीर भावा ये इनके पिताजी का नाम था। अगर हम बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, अगर हम बात करें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है वो 24 जनवरी सन 1966 में हुई थी। चौबीस जनवरी 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर हम बात करें कि इन्होंने अनुसंधान कब प्राप्त किया था, अनुसंधान के बारे में देख लेते हैं। अनुसंधान प्राप्ति अगर इनके अनुसंधान के बारे में देखें तो इन्होंने अनुसंधान सन 1944 में प्राप्त किया था। कितने में किया था? 1944 में इन्होंने अनुसंधान प्राप्त किया था। इनकी राष्ट्रीयता क्या थी? ये भारतीय थे। क्या थी? ये भारतीय थे। कौन थे? ये कौन थे? भारतीय थे। अगर हम बात करें कि इनका क्षेत्र क्या था, इनका क्षेत्र क्या था, यह किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रचलित थे, तो यह जो है परमाणु वैज्ञानिक के रूप में सबसे ज्यादा प्रचलित, किसके रूप में? परमाणु वैज्ञानिक के रूप में सबसे ज्यादा प्रचलित थे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे बताएंगे भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है। भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है, तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। तो देख लेते हैं बच्चों, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगर हम आर्यभट्ट के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये जो है कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था और इसको अगर लॉन्च किया गया था तो ये कब किया गया था, तो उसको देख लेते हैं। सन 19 अप्रैल 1975 में, जुकाम हो गया बहुत, कोई बात नहीं, सॉरी। अगर इसके लॉन्च करने की बात देखें तो ये कब लॉन्च किया गया था, लॉन्च की बात करें तो ये 19 अप्रैल सन 1975 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 में, ठीक है। अगर हम इसके बात करें कि इसका वजन कितना था, ठीक है, इसके भार के बारे में बात करें तो इसमें भार जो था वो 360 किलोग्राम, कितना था? 360 किलोग्राम था, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसका संगठन जो है वो किसने किया था, इसका संगठन किसने किया था, तो इसका संगठन जो है वो किया था इसरो ने। किसने किया था? संगठन जो है वो किसने किया था? इसरो ने किया था, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी शक्ति की, तो शक्ति जो है इसमें 46 वाट थी। कितनी थी? अगर इसकी शक्ति की बात करें तो इसमें 46 वाट क्या थी? शक्ति थी, ठीक है। और यह जो है भारत का पहला उपग्रह था, कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था यह, भारत का
पहला उपग्रह, ठीक है, यह भारत का पहला उपग्रह था। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करिएगा, जल्दी से शेयर करिएगा, वीडियो को शेयर करना लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा राइट आंसर रहने वाला है इसमें, तो देख लेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा बच्चों, जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है, किनके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब बात करें कि ये युद्ध जो है पानीपत का कब हुआ था, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था, इसके प्रथम युद्ध की बात करें, प्रथम युद्ध हुआ तो कब हुआ था, तो ये जो है प्रथम युद्ध 21 अप्रैल सन 1526 में हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें कि किस स्थान पर हुआ था, तो ये पानीपत में हुआ था जो कि हरियाणा राज्य का एक स्थान है, ठीक है। अगर हम बात करें स्थान की कि किस स्थान पर हुआ, तो हरियाणा के पानीपत में, ठीक है, हरियाणा के पानीपत में हुआ था ये युद्ध, ठीक है, जो कि भारत में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, भारत में, वर्तमान समय में हरियाणा में माना जाता है पानीपत, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रीय बदलाव के बारे में, अगर हम इसके क्षेत्रीय बदलाव के बारे में बात करें, तो इसमें जो है क्षेत्रीय बदलाव हुआ था वो दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली दिल्ली सल्तनत में जो है इसका बदलाव हुआ था। अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसमें योद्धा कौन कौन थे, तो मुगल साम्राज्य बाबर और दिल्ली सल्तनत सुल्तान इब्राहिम, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसमें योद्धा कौन थे, तो योद्धा कौन कौन थे, एक तो बाबर थे और दूसरे इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य बाबर, ठीक है, मुगल साम्राज्य बाबर और दिल्ली सल्तनत इब्राहिम लोदी, ठीक है, ये जो थे ये योद्धा थे। अगर हम बात करें कि इसमें विजय किसकी हुई, अगर हम इसकी विजय के बारे में बात करें, तो किनकी विजय हुई थी, तो इसमें जो है मुगल साम्राज्य बाबर की विजय हुई थी, किसकी हुई थी, मुगल साम्राज्य बाबर की विजय हुई थी। अगर हम बात करें कि बाबर ने इसमें किस पद्धति का प्रयोग किया था, तो इसमें तुगलक पद्धति का उपयोग किया था, पद्धति के बारे में बात करें तो इसने कौन सी पद्धति का उपयोग किया था, तुगलक पद्धति, ठीक है,
इसका उपयोग किया था। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे राष्ट्रीय पशु कौन सा है, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है हमारा। तो इसमें देखेंगे हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बाघ। बाघ जो है वो राष्ट्रीय पशु है। अगर हम बाघ के बारे में बात करें कि बाघ परियोजना, ठीक है, तो बाघ परियोजना जो है वो कब शुरू हुई थी, तो वो सन 1973 में। बाघ के बारे में बात करें तो बाघ परियोजना शुरू अप्रैल 1973 में, ठीक है, कब हुई थी, अप्रैल 1973 में। अगर हम बात करें कि इसको राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था, राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था, तो इसको राष्ट्रीय पशु सन 1973 में घोषित किया गया था। कब किया गया था, 1973 में घोषित किया गया था। अगर हम बात करें कि इसकी कौन सी प्रजाति थी, अगर हम इसके प्रजाति के बारे में बात करें कि ये जो है कौन सी प्रजाति का था, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर की प्रजाति का था। कौन सी, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर की प्रजाति का था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है, हजारीबाग नेशनल पार्क स्थित है, तो ये कहां स्थित है, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है बताएंगे सभी बच्चे। तो देखेंगे बच्चों, इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड जो है वो भारत में पड़ता है, कहां पड़ता है, भारत में पड़ता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हजारीबाग नेशनल पार्क, ठीक है, हजारीबाग नेशनल पार्क के बारे में बात करें, तो इसकी स्थापना हुई, इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। कब हुई थी, 1955 में हुई थी। अगर हम बात करें कि ये कितने क्षेत्र में है, इसके क्षेत्र के बारे में बात करें, तो ये कितने क्षेत्र में है, ये 186 वर्ग किलोमीटर के, कितने के, 186 वर्ग किलोमीटर के, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें पर्यटकों की संख्या कितनी है, अगर हम बात करें पर्यटकों के बारे में, तो इसमें पर्यटकों की संख्या कितनी है, 2222, ठीक है, कितनी, 2222 पर्यटक आते हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे लग गया है, बताइएगा कौन सा राइट आंसर रहने वाला है इसमें। क्वेश्चन दिया है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, जल्दी से। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अधिकतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ऑप्शन नंबर डी, 552 होती है, ठीक है, 552 तक हो सकते हैं, जिनमें से 530 सदस्य जो हैं वो राज्य प्रतिनिधि के होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 530 सदस्य जो होते हैं वो काय के होते हैं, राज्य प्रतिनिधि के, ठीक है।
राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर हम बात करें इसमें तो 530 तो हो गए राज्यों के, ठीक है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 20 सदस्य जो हैं वो जो है वो सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, ये सदस्य जो हैं वो संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा 545, ठीक है, 545 हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। अगर हम बात करें यहां के राष्ट्रीय पशु की, ठीक है, तो यहां का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है, यहां का राष्ट्रीय पशु क्या है, यहां का राष्ट्रीय पशु है कंगारू, क्या है, कंगारू, इसीलिए ऑस्ट्रेलियाई लोगों को कंगारू भी कह सकते हैं, कहते हैं लोग, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये तो सबसे छोटा महाद्वीप हो गया, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है विश्व का, सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो आपका कौन सा पड़ता है, एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत झंडे में कितनी तिल्लियां, भारत के झंडे में कितनी तिल्लियां हैं, तो सभी लोग बताएंगे राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है। तो इसमें देखेंगे जो राइट आंसर होगा हमारा, ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 24 तिल्लियां, ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिल्लियां होती हैं, ठीक है, जो कि तिरंगे के बीच वाली लाइन सफेद पट्टी के केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है, केंद्र में उपस्थित एक पहिया होता है उसमें 24 तिल्लियां होती हैं, और वह तिल्लियां जो हैं वो कितने कलर, कौन से कलर में होती हैं, वो गहरे नीले कलर की होती हैं, ठीक है, कैसे कलर में होती हैं, गहरे नीले कलर में होती हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये जो है तिरंगा के
बीच वाली लाइन, बीच वाली सफेद पट्टी के केंद्र में उपस्थित है। इसमें क्या होता है, इसमें 24 तीलियां होती हैं, इसमें 24 तीलियां होती हैं। यह जो है कैसे रंग का होता है, यह गहरे नीले रंग का होता है। यह गहरे नीले रंग का होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सोना दिवस किस दिन मनाया जाता है, सॉरी सेना दिवस, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या रहने वाला है इसमें। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी, ठीक है। कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये क्यों मनाया जाता है, अगर हम बात करें यह मनाया क्यों जाता है, ठीक है, तो देखेंगे एक जर्नल थे लेफ्टिनेंट जर्नल जिनका नाम था एम करियप्पा, ठीक है, जिनका नाम था एम करियप्पा, एम करियप्पा। तो एम करियप्पा जो थे वो भारतीय थल सेना से शीर्ष कमांडर, ठीक है, भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर भारतीय थल सेना के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर, ठीक है, का पदभार ग्रहण करने कमांडर का पदभार ग्रहण करने करने के उपलक्ष्य में, पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन्होंने अपना पदभार कब ग्रहण किया था, ठीक है, अगर हम पदभार के बारे में बात करें कि इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया था, तो पद ग्रहण जो है वो कब किया था, वो किया था 15 जनवरी सन 1949, ठीक है, 15 जनवरी सन 1949, ठीक है, इतने में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है आपकी स्क्रीन पे, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय है, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे राकेश शर्मा, कौन थे, राकेश शर्मा, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष में इन्होंने कितना समय बिताया, अंतरिक्ष में
बिताया समय, ठीक है, कितना बिताया था इन्होंने, 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट, कितने बिताया था, 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट, ठीक है, इतना समय इन्होंने बिताया था। अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष में जाने वाले यह विश्व के कौन से यात्री थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के 138वें यात्री, ठीक है, 138वें यात्री थे ये। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, अगर हम इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है वो 13 जनवरी 1949 को हुआ। इनके जन्म के बारे में बात करें हम तो 13 जनवरी 1949 कब हुआ था, 13 जनवरी 1949 में पंजाब के पटियाला में हुआ था। कहां हुआ था, पंजाब के पटियाला, ठीक है, पंजाब के पटियाला में हुआ था इनका जन्म। अगर बात करें कि इनकी राष्ट्रीयता क्या थी, तो इनकी राष्ट्रीयता जो थी वो क्या थी, भारतीय थे। राष्ट्रीयता क्या थी, भारतीय थे ये। अगर हम बात करें इनके बारे में कि इनका चयन जो है, सॉरी चयन, इनका पद जो था वो क्या था, अगर हम इनके बात करें पद के बारे में, तो ये जो थे ये विंग कमांडर, कौन थे, विंग कमांडर थे। पद के बारे में बात करें तो ये कौन थे, विंग कमांडर थे, ठीक है, कौन थे, विंग कमांडर थे, जो कि भारतीय वायुसेना में थे। कहां में थे, भारतीय जो कि भारतीय वायुसेना में, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इनका चयन कब हुआ था, ठीक है, इनके बारे में बात करें कि इनका वायुसेना में चयन कब हुआ था, तो इनका चयन जो है वो 1982 में हुआ था। इनके चयन के बारे में बात करें तो 1982 में इनका चयन हुआ था, ठीक है। तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों। बच्चों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ साथ में शेयर भी करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, दोस्तों को बताते भी रहें कि आर्मी ट्रेड्समैन का क्लास चालू हो गया है जीके जीएस का, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, आप सिर्फ इसकी तैयारी करिएगा, ठीक है, आप इसकी तैयारी करिएगा क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, तो इसके बारे में देखेंगे। भूकंप की तीव्रता जो है वो ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफ द्वारा नाप सकते हैं, ठीक है, सिस्मोग्राफ द्वारा नापी जाती है। इसमें जो है भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाया जाता है, इससे जो है भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाया जाता है, ठीक है, अवधि का पता लगाया जाता है। अगर हम इसके बारे में बात करें, ठीक है, कि रिक्टर पैमाना, भाई रिक्टर पैमाने के द्वारा भी भूकंप को मापा जाता है। अगर रिक्टर पैमाने के द्वारा अगर बात करें
तो भूकंप की तरंगों की तीव्रता, ठीक है, भूकंप के तरंगों की तीव्रता कामा भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा, ठीक है, तथा इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है किससे, रिएक्टर स्केल से, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया बच्चों, सभी लोग बताएंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे बच्चों इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ठीक है, 30 वर्ष जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। 30 वर्ष आयु जो है वो किसके लिए होती है, लड़कों के लिए, लड़कों लिए, ठीक है, लड़कों के लिए होती है। और लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए होती है 38 वर्ष, ठीक है, लड़कियों के लिए कितनी होती है, 38 वर्ष होती है। अगर 38 वर्ष की लड़कियां होंगी तभी वो राज्यसभा की सदस्य बन सकती हैं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, सन 2016 का ओलंपिक खेल कहां आयोजित किया गया, सन 2016 का ओलंपिक खेल जो है वो कहां आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये सन 2016 का ओलंपिक जो है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट रहेगा, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील शहर में पड़ता है, कहां पड़ता है ये ब्राजील शहर में पड़ता है, ये ब्राजील शहर में है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो है वो ब्राजील शहर में है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इसके बारे में कि प्रतिभागी राष्ट्र इसके कौन है, ठीक है, रियो डी जेनेरियो के प्रतिभागी राष्ट्र कौन से हैं, तो इसमें बात करेंगे तो ये 207 राष्ट्र जो है वो प्रतिभागी, इसमें प्रतिभागी कौन कौन होते हैं, प्रतिभागी राष्ट्र कितने हैं, तो 207 राष्ट्र जो हैं वो क्या है, इसमें प्रतिभागी हैं। और प्रतिभागी खिलाड़ी, ठीक है, अगर हम बात करें प्रतिभागी खिलाड़ी की, तो प्रतिभागी खिलाड़ी जो है इसमें प्रतिभागी खिलाड़ी कितने हैं, तो 11,237, कितने हैं, 11,237 खिलाड़ी जो है इसमें प्रतिभागी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारा, क्रम बदल गया है, कोई बात नहीं है, क्रम बदला था कोई बात नहीं है, क्वेश्चन वही है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहेगा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो देखेंगे बच्चों इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, ठीक है, तो हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने, किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था, दिल्ली चलो, ठीक है। अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो इनके और नारे जो हैं वो है नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं तो इनके जन्म के बारे में पहले बात कर लेते हैं, इनका जन्म जो है वो कब हुआ, तो इनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 में हुआ, 23 जनवरी सन 1897 में, ठीक है, 1897 में हुआ था। अगर हम इनके बारे में बात करें कि इनका नारा जो है, इन्होंने ये नारा कब दिया था कि दिल्ली चलो, ठीक है, तो इन्होंने ये नारा 5 जुलाई 1943 को दिया था, कब दिया था, 5 जुलाई 1957 1943 में, कब दिया था,
1943 में दिया था, ठीक है 1943 में दिया था। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इनका दूसरा नारा क्या था, और भी नारे थे इनके, तो वो कौन कौन से थे, तो और नारे देखते हैं इनके, अन्य नारे। एक नारा था इनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। एक नारा तो ये था। दूसरे नारे की बात करते हैं, दूसरा नारा इनका क्या था? जय हिंद। क्या था? जय हिंद दूसरा नारा था इनका, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका स्क्रीन पे दिया है, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें। इसमें राइट आंसर कौन सा रहेगा, श्रीनगर शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो इसमें देखेंगे बच्चों, जो हमारा राइट आंसर होगा वही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी के, ठीक है, झेलम नदी के तट पर बसा है, ये राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें इस शहर के बारे में, तो ये शहर जो है इसकी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं, शहर की ऊंचाई के बारे में बात करें अगर हम, तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 1700 मीटर। कितनी है? 1700 मीटर ऊंचाई एक शहर है जो कि कश्मीर, ठीक है। यह झीलों के हाउस बोटों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? यह झीलों के हाउस बोटों के लिए जाना जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है वो सम्राट अशोक मौर्य ने की थी। किसने की थी? सम्राट अशोक मौर्य, ठीक है। किसने की थी? सम्राट अशोक मौर्य ने की थी। ये जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह जम्मू कश्मीर कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, यह जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है स्क्रीन पे देखेंगे, इराक की मुद्रा क्या है? इराक, अगर हम बात करें इराक के बारे में, तो इराक की मुद्रा क्या है बताएंगे सभी बच्चे, बताएंगे राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे बच्चों, इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दीनार, ठीक है, इराकी दीनार, ठीक है, इराकी दीनार जो है वो राष्ट्रीय मुद्रा है इसकी। अगर हम बात करें इसका केंद्रीय बैंक, अगर हम इसके केंद्रीय बैंक के बारे में बात करें, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इराक क्या है, केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इराक, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक। अगर बात करें कि इराक पर आक्रमण जो है वो कब हुआ, इराक आक्रमण, इराक पर आक्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था कब,
21 मार्च 2003 कब हुआ था? 21 मार्च 2003 ठीक है, 21 मार्च 2003 को हुआ था। किसने किया था? अगर हम बात करें किसने किया, ठीक है, तो ये जो है अमेरिका एवं ब्रिटेन ने किया था। किसने किया था? अमेरिका एवं ब्रिटेन ने, ठीक है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो इसमें देखेंगे जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन जो है 1982 में हुआ था। आयोजन जो है वो 1982 में हुआ था, ठीक है। इसका आयोजन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। और इसके गोलकीपर, इसमें जो है इस फुटबॉल में गोलकीपर कितने होते हैं, गोलकीपर की संख्या कितनी होती है? गोलकीपर जो होता है वो क्या होता है? एक होता है, एक खिलाड़ी गोलकीपर होता है। सुरक्षा पंक्ति में कितने होते हैं? अगर बात करें सुरक्षा पंक्ति की, सुरक्षा पंक्ति में कितने होते हैं? सुरक्षा पंक्ति में दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। अगर हम बात करें कि मध्य पंक्ति में कितने होते हैं, तो मध्य पंक्ति में तीन होते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि अंतिम पद्धति में, ठीक है, अंतिम पद्धति में कितने होते हैं? अंतिम में होते हैं पांच, ठीक है। कितने होते हैं? पांच होते हैं। कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? खिलाड़ी होते कितने हैं? तो खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 है होती है, ठीक है। खेल के मैदान के बारे में बात करें, मैदान माप, अगर मैदान के माप की बात करें कि कितना होता है, तो 100 मीटर × 64 मीटर, ठीक है, 100 मीटर × 64 मीटर, ठीक है, 100 मीटर × 64 मीटर से 110 मीटर × 75 मीटर से 110 मीटर मैदान जो होता है वो कितना होता है? क्या हो रहा है ये? अभी रोको बच्चों, अभी थोड़ा सा जरा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, अभी देखते हैं। सूरज भैया, ओ सूरज भैया, सूरज भैया हैं, इधर आओ,
अभी थोड़ी देर रुक जाइएगा, जरा थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या होगा है। हो नहीं है जी, पता नहीं क्या हो गया इसमें। रोकी नहीं, यहाँ से हट गया। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहते हैं थोड़ी देरी के लिए, कोई बात नहीं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो नेहरू कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो फुटबॉल का आयोजन जो है वो कब किया गया था, तो इसका आयोजन के बारे में बात करते हैं। इसका आयोजन 1982 में शुरू हुआ था, 1982 में शुरू हुआ, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसमें जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, ठीक है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है, कितनी है, 11 संख्या है, जिसमें से एक गोलकीपर, ठीक है, जिसमें से एक गोलकीपर होता है, ठीक है, और दो जो होते हैं वो कौन होते हैं, दो सुरक्षा पंक्ति में होते हैं, दो खिलाड़ी सुरक्षा पंक्ति में होते हैं, दो खिलाड़ी सुरक्षा पंक्ति में होते हैं, तीन जो होते हैं वो कौन होते हैं, तीन मध्य पंक्ति में होते हैं, कितने होते हैं, तीन मध्य पंक्ति में होते हैं, पांच जो हैं वो अग्रिम पंक्ति में होते हैं, पांच जो हैं वो कैसे होते हैं, अग्रिम पंक्ति में होते हैं। अगर हम बात करें मैदान के बारे में, मैदान की माप के बारे में, ठीक है, तो ये माप जो होती है 100 मीटर × 64 मीटर कितनी होती है, 100 मीटर × 64 मीटर से 110 मीटर × 75 मीटर तक, ठीक है, ये होती है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम साइंस में आ जाते हैं, ठीक है, आपका भाग सेकेंड सामान्य विज्ञान, ठीक है। अब यहां से सामान्य विज्ञान के आपके क्वेश्चन चालू होते हैं, तो इसमें देखेंगे बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने दिया है। इससे पहले आप क्लास को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और शेयर करते रहिएगा,
और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली वीडियोस एंड नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे बच्चों। तो देखेंगे इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है मनुष्य में खून की कमी का कारण, ठीक है, तो मनुष्य में खून की कमी का कारण क्या है, तो ये बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है बच्चों, सभी बताएंगे। तो देखेंगे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी 12, ठीक है, विटामिन बी 12, विटामिन बी 12, ठीक है, यह फोलिक एसिड है, इसको क्या कह सकते हैं हम, इसको फोलिक एसिड भी कह सकते हैं या आयरन की कमी भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसके सूत्र के बारे में, ठीक है, विटामिन बी 12 के सूत्र के बारे में बात करें तो इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, C63H88 और क्या होता है CNO40 ठीक है एंड O40, ये जो होता है एंड P, ये इसका सूत्र हो गया विटामिन बी 12 का। अगर हम बात करें कि इसको जो है इसको केवालमीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको केवालमीन भी कहते हैं, ठीक है, इसको केवालमीन भी कहते हैं। अगर हम बात करें इससे कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, ठीक है, विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु भी पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त में, इसकी कमी से जो है शरीर में रक्त की कमी होती है, ठीक है, विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, रक्त की कमी होती है, ठीक है, रक्त की कमी होती है इससे। अगर इसके लक्षणों की बात करें, विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण जो हैं तो लक्षण क्या है, कमजोरी, ठीक है, कमजोरी आने लगती है शरीर में, ठीक है, शरीर के अंदर अंदर कमजोरी होने लगती है, आलस होने लगता है, क्या होने लगता है, आलस होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, ठीक है, ईटीसी और भी ज्यादा बीमारियां। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारी आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ स्थित है, रक्त का शुद्धिकरण जो है वो कहाँ स्थित है, तो सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, तो इसमें देखेंगे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी गुर्दे, ठीक है, गुर्दे राइट आंसर होगा, ठीक है, ये क्या होता है, शुद्ध रक्त को शुद्धिकरण करने का कार्य करता है, ठीक है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है कौन, गुर्दे करते हैं। अगर हम बात करें रक्त के बारे में तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, रक्त के बारे में बात कर लेते हैं, इसका रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4, ठीक है, 7.4 होता है, और मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, मनुष्य में रक्त की मात्रा, ठीक है, तो मनुष्य में रक्त की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, करीब 5 लीटर, करीब 5 लीटर, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में कि गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है, ठीक है, इसके प्रमुख कार्य के बारे में बात करें, तो इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो खून साफ करना होता है, खून साफ करना या मूत्र बनाना,
या मूत्र बनाना। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत तेज जुकाम हो गया है बेटा, क्या किया जाए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मनुष्य का हृदय भाग का बना होता है, तो कितने भाग का बना होता है मनुष्य का हृदय, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, राइट आंसर इसमें कौन सा रहने वाला है बच्चों, मनुष्य का हृदय भाग का बना होता है, कितने भाग का बना होता है। तो मनुष्य का हृदय जो है वो कितना होता है, फोर, यानी कि चार भाग का बना होता है, ये फोर कक्षीय होता है, चार कक्षीय होता है, ये फोर कक्षीय होता है। अगर हम बात करें हृदय के दाहिने ओर दो कक्ष होते हैं और हृदय के बाईं ओर भी दो कक्ष होते हैं, हृदय के दाईं ओर कितने कक्ष होते हैं, दो कक्ष होते हैं, और हृदय के बाईं ओर क्या होता है, दो कक्ष होते हैं। ठीक है, बाईं ओर भी दो कक्ष होते हैं। अगर हम बात करें कि मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है, एक मिनट में 72 बार धड़कता है, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हृदय जो है वो एक मिनट में कितने लीटर पंप करता है खून को, ठीक है, हृदय जो है हृदय एक मिनट में कितना रक्त पंप करता है, ठीक है, तो एक मिनट में कितना रक्त पंप करता है, तो ये 70 मिलीलीटर, कितना 70 मिलीलीटर पंप करता है। ठीक है, अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन क्या है, जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर कौन सा रहने वाला है इसमें, इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, पेनिसिलिन है। तो देखेंगे पेनिसिलिन जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी एंटीबायोटिक। ठीक है, क्या है, एंटीबायोटिक राइट आंसर हो जाएगा हमारा, एंटीबायोटिक हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें ये जो है पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक समूह है। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति जो है वो पेनिसिलियम फंगी से हुई है, किससे हुई है, पेनिसिलियम फंगी से इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है, इसकी उत्पत्ति पेनिसिलियम पेनिसिलियन फंगी से हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको और क्या कहा जाता है, ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, इसको पेन कहा जाता है। ठीक है, पेन भी कह सकते हैं, या पीसीएन, या पीसीएन भी कहते हैं, ठीक है, या पीसीएन भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में कि इसकी खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज 1928 में हुई थी। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 1928 में हुई थी, और किसने की थी, तो स्कॉटिश वैज्ञानिक, ठीक है, स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसने की, तो ये हो जाएगा स्कॉटिश वैज्ञानिक स्कॉटिश
वैज्ञानिक अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है तो कौन सा राइट आंसर आएगा इसमें? कौन सा राइट आंसर रहेगा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है? तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हीरा। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में कार्बन के बारे में तो इसका प्रमुख अपर रूप कौन सा है? ठीक है, इसका प्रमुख अपर रूप ठीक है क्या है? ग्रेफाइट। अपर रूप क्या है? ग्रेफाइट है। और शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि कार्बन का संकेत क्या होता है, ठीक है, कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें कि इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, ठीक है, तो परमाणु संख्या जो होती है सी की परमाणु संख्या होती है सिक्स। ठीक है, सी का कितना होता है? सिक्स। अगर इसके रासायनिक श्रृंखला की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? रासायनिक श्रृंखला क्या हो जाएगी? अधातु। ठीक है, रासायनिक श्रृंखला इसकी अधातु। ठीक है, यह शब्द जो है वो किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से। ठीक है, किससे लिया गया है? कार्बो शब्द से। कार्बो शब्द से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कोयला या चारकोल। ठीक है, कोयला या चारकोल। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है स्क्रीन पे? बल की इकाई है। बल की इकाई क्या होती है? जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। बल की इकाई है, तो बल की इकाई क्या होती है? तो देखेंगे बच्चे, सभी बच्चे देखेंगे राइट आंसर जो होगा इसमें क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। ठीक है, न्यूटन हमारा राइट आंसर होगा। और न्यूटन का संकेत क्या होता है? एन। ठीक है, एन इसका संकेत होता है न्यूटन का। अगर हम बात करें इसके बारे में, इसे जो है NM कैप 2 से भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसे जो है NM कैप 2 से भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है, व्यक्त किया जाता। अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये जो न्यूटन है, ठीक है, तो ये सर आइजैक न्यूटन पर वैज्ञानिक नाम था। ठीक है, क्या था? सर आइजैक न्यूटन का वैज्ञानिक नाम था। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन का वैज्ञानिक नाम था। इसके सूत्र की बात करें, किसके? बल के बारे में। अब बल के बारे में बात कर लेते हैं। बल के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है? F बराबर ma। ठीक है, क्या होता है? F बराबर ma। तो F क्या होता है? F जहां F होता है तो F तो आपको पता ही है, F बल होता है। और m क्या होता है? m द्रव्यमान। जहां स्मॉल m द्रव्यमान, द्रव्यमान कामा ए त्वरण, ए त्वरण। ठीक है, अगर हम इसके बात करें इसकी बीमा की, सॉरी अगर हम बीमा की बात करें इसकी,
तो बेमा जो होती है वो क्या होती है, एल एम टी माइनस टू, एल एम टी माइनस, ठीक है, ये इसकी बेमा हो गई। ऐसा ही आधार इकाई क्या होती है इसकी, सारा कट गया कोई बात नहीं, इसकी एसआई इकाई, इसकी एसआई इकाई की बात करें, ठीक है, तो इसकी एसआई इकाई जो होती है वो क्या होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है आपकी स्क्रीन पे, किस अधातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो किस अधातु में विद्युत धारा प्रभावित होती है, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर क्या रहने वाला है हमारा, किस अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कौन सा राइट आंसर रहेगा, तो इसमें देखेंगे तो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थ्री ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमारा राइट आंसर रहेगा। ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो यह जो है कार्बन का अपर रूप है, क्या है, कार्बन का अपर रूप कह सकते हैं या बहुरूप, कार्बन का बहुरूप है, ठीक है, यह कार्बन का क्या है, बहुरूप है। अगले बात करें कि इसके जो है अपेक्षित घनत्व, ठीक है, इसके अपेक्षित घनत्व की बात करें तो इसका अपेक्षित घनत्व जो होता है वो कितना होता है, इसका अपेक्षित घनत्व जो होता है वो कितना होता है, 2.25, ठीक है, ये इसका अपेक्षित घनत्व हो गया। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट का अर्थ क्या होता है, लिखता हूं, क्या होता है, लिखता हूं। इसका उपयोग जो है वो किसमें किया जाता है, लिखने में किया जाता है, जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल में ग्रेफाइट पाया जाता है, तो उस पर जैसे कार्बन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, लिखने के रूप में, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन है एक, तो कार्बन है एक क्या, कार्बन क्या है, जल्दी से बताएंगे, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करेंगे, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, कार्बन है एक, तो देखेंगे कार्बन जो है वो एक क्या है, अधातु है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अधातु। अगर हम बात करें अधातु का, इसका कार्बन का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, ठीक है, या रासायनिक चिन्ह, रासायनिक चिन्ह इसका क्या होता है, सी, सी होता है। अगर इसकी परमाणु संख्या देखें, परमाणु संख्या इसकी 6 होती है, ठीक है। अगर इसके मात्रा की बात करें, मात्रा संख्या इसकी 12 होती है, ठीक है, मात्रा संख्या कितनी होती है, 12 होती है। इसके परमाणु भार की बात करें, अगर हम इसके परमाणु भार के बारे में बात करें तो इसका परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है, 12.000, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें जो है तीन प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, ठीक है, इसके तीन जो है वो प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, C6C12, 6C13, 6C14, 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 ये तीन होते हैं, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, सबको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करेगा और लास्ट तक देखिएगा पूरी वीडियो को, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, कौन सा राइट आंसर रहेगा इसमें, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, जल्दी से बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखेंगे किसकी कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ठीक है, लोहा या इसको आयरन भी कह सकते हैं,
क्या कह सकते हैं, आयरन भी कह सकते हैं, लोहा या आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में बच्चों कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसको फारेनहाइट में नापें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, डिग्री फारेनहाइट, ठीक है, इतना होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट में होता है। अगर बात करें तापमान की, ठीक है, तापमान थर्मामीटर, तापमान थर्मामीटर जो होता है तापमान मापन क्या होता है, थर्मामीटर, थर्मामीटर होता है जिससे बुखार नापा जाता है, वो क्या होता है, थर्मामीटर होता है। इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार देख लेते हैं, इसका आविष्कार जो है गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, किसने किया था, गैलीलियो गैलीली ने, गैलीलियो गैलीली ने कब किया था, कौन से सन में किया था, 1609 में, 1609 में किया था। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती हैं। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थि मज्जा में। ठीक है, कहां बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है। अगर हम बात करें लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जीवन काल कितना होता है, ठीक है, इनका जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन। ठीक है, 20 से 120 दिन होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़ी आरबीसी कौन सी होती है, सबसे बड़ी आरबीसी कहां पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में पाई जाती है, किसमें, हाथी में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे छोटी, सबसे छोटी आरबीसी किसमें पाई जाती है, सबसे छोटी आरबीसी जो है वो किसमें पाई जाती है, कस्तूरी हिरण में, किसमें, कस्तूरी हिरण। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। लास्ट, जल्दी से बताइएगा कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है बच्चों, जल्दी से। तो देखेंगे बच्चों इसमें जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है। ए रक्त को पीले रंग का तरल घटक है, यह जो है, यह जो है रक्त का, यह रक्त का पीले रंग का तरल है, पीले रंग का तरल। ठीक है, अगर हम बात करें यह 90% जल का बना होता है, ये कितना बना होता है, ए 90% जल का बना होता है। ठीक है, ए 90% जल का बना होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया है, क्या दिया है, हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है, हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, हवा में ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है। तो देखेंगे इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 20.99। ठीक है, 20.99% होता है, यह जो है 20.99% होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में तो ऑक्सीजन जो है यह
रंगहीन कामा गंधहीन, ठीक है, रंगहीन कामा गंधहीन गैस है, ठीक है, यह रंगहीन कामा गंधहीन गैस है। इसकी खोज जो है वो सन 1772 में हुई थी। इसकी खोज के बारे में बात करें तो 1772 में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1772 में हुई थी। और किसने की थी? तो कार्ल सीले ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ओ2 गैस उत्पन्न की थी, ठीक है। अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन नाम किसने दिया, नाम किसने दिया, ठीक है, ऑक्सीजन नाम के बारे में बात करें कि ऑक्सीजन नाम किसने दिया, तो एंटोनी लेवोइजर, किसने दिया था? एंटोनी लेवोइजर। ठीक है, इन्होंने दिया। इसका अर्थ क्या होता है? अगर अर्थ के बारे में बात करें, ठीक है, तो इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अम्ल उत्पादक। अम्ल उत्पादक इसका अर्थ होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपकी स्क्रीन पे? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया है, एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होगा, एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होगा, तो जल्दी से बताएंगे राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करेंगे तो देखेंगे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा राइट आंसर होगा। एक विश्राम की अवस्था में किसी वस्तु में इनमें से क्या होगा, तो ऊर्जा होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको देखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, सभी को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो देखेंगे इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र देख लेते हैं, इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, C6H8O6, ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। अगर बात करें इसके घनत्व का, घनत्व के बारे में, तो 1.694 इसका घनत्व क्या कितना होता है, 1.694 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल। अगर हम बात करें इसके गलनांक के बारे में, किसके बारे में, अगर हम बात करें इसके गलनांक के बारे में, तो इसका गलनांक कितना होता है, 190 से 192 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 190 से 192 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम बात करें इसके क्वथनांक के बारे में, अगर हम बात करें इसके क्वथनांक के बारे में, तो इसका क्वथनांक कितना होता है, 553 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 553 डिग्री सेल्सियस, ये होता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि हमारी आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और साथ साथ में क्लास को शेयर भी करते रहिएगा, अपने दोस्तों के लिए भी बताइएगा, क्योंकि आर्मी ट्रेड्समैन का आपके सामने प्रैक्टिस सेट पार्टी करवाए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है ऐसे हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, तो आपको जरूर देखना है, क्योंकि अगर आपको आर्मी ट्रेड्समैन की नौकरी चाहिए है तो बच्चों आपको जरूर इसको देखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। और साथ साथ में आपके मैथ के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, हमारा क्लास चलता है मैथ का भी, ठीक है, तो मैथ का भी क्लास चलता है, तो आप लोग मैथ को भी देखिएगा, और साथ साथ में जीके को भी देखिए, जीके जीएस को भी देखिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रहता है जीके जीएस, ठीक है, और भी तैयारियों में ये काम आने वाला है, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।